अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ गाय फ्रॉम पाकिस्तान बैक अगेन विद अनदर वीडियो GTA 5 ऑनलाइन। तो भाई आज की वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि GTA 5 ऑनलाइन में फाइनली काफ़ी दिनों के वेट के बाद यार डिंका सुगोई यानी कि होंडा सिविक टाइप आर जो है वो फाइनली रिलीज़ हो गई है। तो अभी हम उसको ऑर्डर करेंगे और पूरा उसको कस्टमाइज़ करेंगे, मॉडिफाई करेंगे और फिर उसको रिव्यू करेंगे। तो मेक श्योर गाइज वीडियो पूरी देखना और लाइक ज़रूर करना वीडियो को, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और गाइज मेरा इंस्टाग्राम का भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है गाइज, उसको जाके फॉलो करो, जल्दी से उसके फॉलोवर्स बढ़ाओ ताकि स्वाइप अप वाला आपके भाई का फीचर ऑन हो तो तुम लोग के लिए भी आसानी होगी। और जिन्होंने नहीं फॉलो किया हुआ तो गाइज उसमें रिसेंटली मैंने अपडेट की है नेक्स्ट वीडियो कौन सी आ रही है, तो वो यूट्यूब से ज़्यादा मैं इंस्टाग्राम पर जो है एक्टिव होता हूँ तो वहाँ जाकर तुम लोग देख सकते हो। ओके, तो हमने सदर्न सैन एंड्रियास की वेबसाइट खोल ली है, यहाँ पर देखो डिंका सुगोई है। अब इसको हम वाइट में परचेस करेंगे, बाकी क्योंकि कलर चेंज करना होगा और मॉडिफिकेशंस करनी होंगी तो हम वहीं लॉस सैंटोस कस्टम्स में जाके करेंगे। ओके, तो मैंने बाय कर ली है, अब मैं इसकी जगह ढूंढूं, मैं इसको कहाँ डिलीवर करवाऊँ। अभी क्योंकि मैं अपने दूसरे अपार्टमेंट में हूँ तो मैं एक्लिप्स पेंट हाउस में करवाऊँगा, यहाँ पर हम परचेस करेंगे। परफेक्ट, ओके। चलो यार अब अपनी दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, वहाँ पर जो है फिर जब ये डिलीवर हो जाएगी तो मेरे पास मैसेज आ जाएगा, फिर हम इसको कस्टमाइज़ करने लेकर जाएंगे और फिर इसको प्रॉपर रिव्यू करेंगे। और गाइज़ आज जो मैंने गाड़ी परचेज़ की है वो जो है काफ़ी उसकी इंटरनेट पर भी डिमांड चल रही थी, मैं वीडियोज़ भी देख रहा था, हर कोई इसी गाड़ी का ही वेट कर रहा था क्योंकि ये बिल्कुल ही होंडा सिविक की कॉपी है, एक तरह से डिट्टो कॉपी है। अभी जब हम इसको रिव्यू करेंगे तो तुम लोगों को भी लगेगा कि बिल्कुल ही इसकी कॉपी है। तो जितने भी सारे जो है वो US के और इंग्लैंड के जो यूट्यूबर्स हैं सारे वो इसको डिंका सुगोई नहीं कह रहे, उसको होंडा सिविक टाइप आर ही बोल रहे हैं। अभी फार्मूला 1 की गाड़ियां भी आने वाली हैं तो उसकी भी काफ़ी हाइप चल रही है, तो बस जैसे ही वो आएंगी इंशाल्लाह मे बी नेक्स्ट वीक आ जाएंगी वो भी, तो उसको भी रिव्यू करेंगे। ओके, तो फाइनली मैंने यार अपनी ये बाइक मंगवा ली है, तीन पहियों वाली चिमेरा। अभी तुम लोग इसके शशके देखना, तुम लोगों को पता होगा कि ये बाइक कैसी है अगर तुम लोगों ने चलाई भी है, तो जिनको अगर नहीं पता तो अभी इसके शशके देखना। ये मैंने सिर्फ एक रीज़न की वजह से रखी हुई है और वो मैं तुम लोगों को अभी दिखाता हूँ। इसका सीन चेक करना बस। अब इसको थोड़ा सा मैं स्ट्रेट लेकर जाऊं, विली चेक करना बस इसकी तुम लोग। ये देखो ये मजे हैं असल इसके, होल्ड रख सकता है आपका भाई, स्पीड हल्की है, स्क्रैचे मारते हुए जा रहा हूं, बाइक खड़ी हुई है पूरी। ये बस इसी तफरी की वजह से मैंने रखी हुई है, बहुत मज़ा आता है जब पूरी गैंग के साथ आप जाओ ना, बहुत इसमें मज़ा आता है यार। तो अपनी दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ मैं जा रहा हूँ गाइस। एक्लिप्स टावर है वहाँ, मेरे दूसरा जो है वो अपार्टमेंट है तो उसी के गैराज में जगह थी मेरी गाइस, तो मैंने सोचा वहाँ। अबे चलो भाई, मैसेज भी आ गया, हमारी गाड़ी जो है वो डिलीवर हो गई है तो गैराज में वो आ गई होगी। लेट्स गो देयर और फिर उसको मॉडिफाई कराने लेकर जाते हैं। इस बाइक को चलाने का भी मजा अलग है यार कसम से। बस हम लोग आ गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, एक मिनट, मेरे ख्याल में जगह पूरी हो चुकी होगी वरना अंदर ले जाता मैं इस बाइक को। मेरे ख्याल में शायद हो एक जगह, लेट्स सी। नोप, फुल हो चुकी है तो यार इसको बाहर ही पार्क करता हूँ, जगह बनानी पड़ेगी यार मुझे, कुछ बेकार गाड़ियाँ बेचनी पड़ेंगी। ओके लेट्स गो टू आवर गैराज। ओके फाइनली हम लोग अपने गैराज में गाड़ियाँ चेक करो, ये सारी मेरी कलेक्शन है, जो मुझे गाड़ियाँ पसंद है वो मैंने इस अपार्टमेंट में रखी हुई है, जो गाड़ियाँ जो बाइक जो मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं उनको मैंने जो है मॉडिफाई करवा के इस गैराज में रखा हुआ है। इसकी भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा कि मेरी जो कलेक्शन है गाड़ियों की, हालाँकि बहुत सारी गाड़ियाँ अच्छी नहीं हैं लेकिन फिर भी मैंने रखी हुई हैं। ओए होए, लुक चेक करो यार, वाइट में कितनी अच्छी लग रही है, दिल नहीं चाह रहा इसका कलर चेंज करने का या मॉडिफाई करने का, ये ऑलरेडी इतनी अच्छी लग रही है।
लेकिन फिर भी लॉस सैंटोस कस्टम्स लेके चलते हैं और इसको मॉडिफाई करवाते हैं प्रॉपर। परफेक्ट, तो हम आ गए हैं यार बाहर। चेक करो यार, वैसे दिन में इसकी अच्छी शक्ल निकल के आएगी। पहले हम लॉस सैंटोस कस्टम्स चले हैं, इसको मॉडिफाई करवा लेते हैं। इंटीरियर नॉट बैड, अच्छा भी नहीं है ज़्यादा, लेकिन यार सही है बस, क्योंकि इंटीरियर्स तो इनके रिपीटेटिव हैं ज़्यादातर। मोस्टली इस क्लास की गाड़ियों के सेम ही होते हैं इंटीरियर, लेकिन यह है कि बाहर से क्योंकि बॉडी डिट्टो है टाइपर, मेरे ख्याल में 90% तो लगी रही है। थोड़ी बहुत जो है वो जो इसकी बैक लाइटें हैं वो थोड़ी सी चेंज की हुई इन्होंने, बहुत माइनर सी, लेकिन यार पूरी है। जब मैं उसको अभी स्पॉयलर, अगर इसमें स्पॉयलर का ऑप्शन हुआ मॉडिफाई करवाते हुए, तो स्पॉयलर जब मैं इसको लगवाऊंगा तो फिर तो पूरी ही टाइपर लगेगी है, अगर उसी तरह से स्पॉयलर अवेलेबल है तो। साउंड भी अच्छा है यार। लेट्स गो टू लॉस सैंटोस कस्टम्स, वहां पे इसको मॉडिफाई करवाते हैं प्रॉपर। चलो भाई, बहुत आराम आराम से चला के मैं लाया हूँ ताकि मुझे रिपेयर ना करवानी पड़े। डिंकर सुगोई स्पोर्ट्स नाम है गाइस इसका, सो अगर आप खेलते हो तो ज़रूर इसको परचेज करो, बहुत अच्छी गाड़ी है। ओके, आर्मर जो है वो सब फुल करवाएंगे यार, पैसे बहुत हैं। फ्रंट बम्पर देख लेते हैं यार, अबे ये तो अजीब सा लग रहा है। कुछ तो अजीब से ही है यार, जो सही सूट करेगा वो लॉल लगवाएंगे खाली, बाकी रहने देते हैं। ये तो अजीब सा लग रहा है यार, ये थोड़ा बेटर लग रहा है। हाँ यार, आई थिंक आई विल गो विद दैट वन। अब रियर बम्पर भी जो है वो उसके साथ वाले ही देख लेते हैं, ये तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, ये सही है। मैच करे इसको ही सही था तो समझ में आए ना यार। बेहतरीन बेहतरीन, एग्जॉस्ट तो यार ये चार वाले तो अच्छे नहीं लग रहे, दो वाले लगाएंगे यार, कोई अच्छे से देख लेते हैं। यही सही है यार। ओके, ग्रिल में देख लेते हैं यार, वैसे इसकी स्टॉक ग्रिल अच्छी है, लेकिन फिर भी देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या। ये पूरी ब्लैक कर रही है इसको, नहीं नोप, स्टॉक ही सही है यार। स्टॉक परफेक्ट है, हुड में नहीं, नोप नहीं, ऑप्शंस काफ़ी हैं लेकिन अच्छे नहीं लग रहे, प्लेन तो नहीं अच्छी लग रही बिल्कुल भी। ये सही है यार, ये सही है। हॉर्न तो ऑब्वियसली कॉप हॉर्न लगाऊंगा, मेरा फेवरेट है वो। लाइट्स ऑब्वियसली नियॉन लाइट्स। ओके, लिवरीज देख लेते हैं। नहीं यार, ये मेरे ख्याल में सिंपल ही अच्छी लगेगी, लेट्स सी इसकी लाइब्रेरीज कैसी हैं। नोप, ये तो मस्टैंग में अच्छी लगती है यार ये वाली लिवरी तो। सिंपल सही है, सिंपल सही है यार, छोड़ देते हैं इसको। मिरर्स, ओहो मिरर्स के भी कलर चेंज होते हैं, चलो नाइस। पूरे ब्लैक तो नहीं अच्छे लग रहे, पता ही नहीं लग रहा कि मिरर्स हैं भी या नहीं। ये सही है। प्लेट ऑब्वियसली कस्टम नंबर प्लेट, गाय फ्रॉम पार्क। रीस्प्रे, लेट्स सी कौन सा कलर्स पे सही बैठता है यार। मेरा वैसे प्लान तो रेड का है, अब देखते हैं कौन सा अच्छा लगता है। इंटीरियर का तो यार इंटीरियर सही है, ज़्यादा चेंज करने का दिल नहीं कर रहा मेरा इसको, इंटीरियर को मोस्टली एक्सटीरियर के साथ करवाएंगे, जब देखते हैं कलर कौन सा फाइनल होता है। यार सिल्वर में भी अच्छी लग रही है वैसे, लेकिन यार वो पता ही नहीं लगेगी सही से रात में। ब्लैक में न, ब्लैक में भी नहीं। रेड अच्छी लग रही है, अब रेड ये वाला रेड या फॉर्मूला रेड, लेट्स सी। फॉर्मूला रेड सही है यार,
रूफ नहीं, चलो ये करवा लेते हैं यार। स्कर्ट्स, ऑब्वियसली स्कर्ट्स भी लगवाएंगे यार। स्पॉइलर ऑब्वियसली, अबे ये कैसा स्पॉइलर है? ऑप्शंस यार इतने होते हैं मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। ये स्पॉइलर सही लग रहा है। हाँ ये सही है, ये सही है, परफेक्ट। सस्पेंशन सबसे नीचे वाले, ट्रांसमिशन ओके, सब फुल भाई। व्हील टाइप यार, ये इन्हेंसमेंट में तो हम पहले इसको सब कुछ कर लें, बुलेट प्रूफ कर लें। हाई एंड टायर में मैं जाऊंगा स्टॉक रिम्स में, ताकि मैं इन्हेंस वो उसका टायर इन्हेंसमेंट में जाके कस्टम टायर्स कर सकूँ, वो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं यार। परफेक्ट यार, देखो ज़बरदस्त लग रहे हैं यार ये। विंडोज लाइट टेंट, ज़्यादा टेंट नहीं करना यार हमने। ओके परफेक्ट, तो फाइनली यार होंडा सिविक हम लोगों ने फुली मॉडिफाई कर लिया। परफेक्ट यार, परफेक्ट, बहुत ज़बरदस्त लग रही है यार। तो अब इसको टेस्ट करते हैं, थोड़ा सा इसकी लंबी राइड लेते हैं। पहले ज़रा मैं पार्क करवा के इसके दरवाजे वगैरह बोनट वगैरह खोल के तुम लोगों को दिखाता हूँ कि कैसी लग रही है। क्या लुक आ रहा है यार गाड़ी का, बेहतरीन। एक मिनट इसको स्टार्ट भी करता हूँ ताकि, स्टार्ट हुई हुई तो देखो इंजन हिलना शुरू हो गया। इतना टाइट लग रहा है, इतनी छोटी छोटी इन्होंने डिटेलिंग की हुई है जिसकी वजह से अच्छी लगती हैं यार ये चीज़ें मुझे। अब फर्स्ट पर्सन में दिखाता हूँ, देखो स्टार्ट हुई हुई ना तो इंजन हिल रहा है इसका, ना अच्छा लग रहा है यार। यार पूरी कॉपी कर दी इन लोगों ने तो। एक होता है ना यार थोड़ा सा बंदा माइनर सी कॉपी करता है, ये तो पूरी डिट्टो कॉपी है। होंडा सिविक टाइप आर, सीएनजी नहीं है भाइयों, ये फुल पेट्रोल है। परफेक्ट यार, परफेक्ट, बहुत अच्छी बनाई हुई है यार। चलो यार अब इसको टेस्ट ड्राइव पर लेकर जाते हैं। सारे इसके दरवाजे बंद कर लूँ पहले मैं। चलो लेट्स गो फॉर अ राइड। बहुत जल्द यार मैंने कम्युनिटी में पोस्ट किया हुआ है कि यार होंडा सिविक टाइपर नई आ गई है तो सब परचेस करें, क्योंकि मोस्टली हम लोग कल कार मीट करने वाले हैं इसका अपनी पूरी स्क्वाड के साथ। तो इंशाल्लाह कार मीट की वीडियो जो है वो पूरी स्क्वाड के साथ मैं रिकॉर्ड करूँगा। जितना हम लोगों ने कम्युनिटी बनाई हुई है तो मेरे ख्याल में 10-15 बंदे होंगे, अगर वो आ जाएँ तो बेहतरीन वाला कार मीट हो जाएगा। तो अगर कल होता है तो उसकी वीडियो इंशाल्लाह कल ही अपलोड होगी। मॉडिफाइज को हमने फुली कर लिया ना, तो अब थोड़ा सा इसकी इंजन में ज़्यादा पावर आ गई है। ज़रा सा भी मैं इसको रेस दे रहा हूँ ना तो थोड़ी तेज़ जा रही है ये। ओए होए बेहतरीन यार, बेहतरीन। फ्रंट का लुक तो यार तबाही है इसका। खींचेंगे यार इसको, खींचते हैं अभी। एंड अगर जो लोग नए हैं गाइस, क्योंकि स्टिल मुझे यार काफ़ी मुझे टाइम हो गया GTA 5 ऑनलाइन खेलते हुए, स्टिल यार मुझे मैसेजेस आते हैं कि यार ये कौन सा आप सर्वर ज्वाइन किए हैं। तो भाई ये GTA 5 ऑनलाइन है, ऑफिशियल ऑनलाइन रॉकस्टार का जो अपडेट है। तो ये 5M सर्वर्स नहीं है गाइज, बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से सर्वर पर खेलते हैं, मुझे लिंक दे दो। गाइज़ ये GTA 5 ऑफिशियल ऑनलाइन है, अगर तुम लोग हमारे साथ खेलना चाहते हो तो कल की वीडियो देख लो, कम्युनिटी ज्वाइन कर लो। ये और हमारा सोशल क्लब का जो लिंक है, हमारा क्रू है
दी अल्फा फैल्कन्स उसको भी ज्वाइन करो, और दी अल्फा फैल्कन्स हमारी कम्युनिटी भी है PS4 पे, तो तुम हमारे साथ खेल सकते हो, तो हमें ज्वाइन कर लो। दोनों वीडियो के लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में, तुम लोग को आइडिया हो जाएगा कि कम्युनिटी कैसे ज्वाइन करनी है और सोशल क्लब का क्रू कैसे ज्वाइन करना है। तो दोनों वीडियोस तुम लोग देख लो, तुम लोगों को फुली आइडिया हो जाएगा, तुम्हारे सारे क्वेश्चंस जो हैं वो खुद ही आंसर हो जाएंगे। गाड़ी फर्स्ट पर्सन में देखो कितनी ज़बरदस्त चल रही है यार, मज़ा आ रहा है इसको चलाने में यार, क्योंकि ज़्यादा स्लिप नहीं हो रही है, स्पीड भी अच्छी है इसकी, और साउंड भी देखो कितना ज़बरदस्त है, लेकिन मजा ले जो ज़रा सी भी स्लिप हुई है। ओह बस ब्रेकिंग में क्योंकि मैं स्पीड में था तो ठुक गई, आगे से थोड़ी सी लग गई, कोई बात नहीं, इसको इग्नोर करेंगे और चलते बनेंगे आगे। एक मिनट, आगे रास्ते में लॉस सैंटोस कस्टम्स पड़ेगा ना, तो वहां से हम इसको रिपेयर करवा लेंगे फिर आगे चलेंगे। बस मैंने कम्युनिटी में पोस्ट किया हुआ गाइस, अगर कल मेरी पूरी स्क्वाड ऑनलाइन आती है या कम्युनिटी में जिन्होंने ज्वाइन किया है, मैंने कम्युनिटी की वीडियो लास्ट टाइम बनाई है PS4 की, अगर लोगों ने ज्वाइन किया है तो लेट्स सी कि कितने लोग आते हैं कार मीट में, क्योंकि कल कार मीट है होंडा सिविक का, तो जैसे ही लोग ज़्यादा आएंगे तो हम ऑफ रोडिंग भी करेंगे माउंट चिलियट पे। आई होप कि आ जाएंगे, क्योंकि जब मैंने वीडियो डाली थी तो 7 मेंबर्स थे हमारे PS4 कम्युनिटी में, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैंने चेक किया है तो मोर देन 50 मेंबर्स हैं, तो इंशाल्लाह जो है सबके साथ बनाएंगे, सारे पाकिस्तानियों के साथ। तुम लोग भी अगर PS4 पे खेलते हो तो जल्दी ज्वाइन करो गाइस, हमारे साथ खेल सकते हो। बहुत सारी अभी रोल प्लेस वीडियो भी आने वाली हैं, GTA 5 रोल प्ले हम सीरीज़ करेंगे, तो उसमें बंदे शॉर्टलिस्ट करेंगे, तो आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन करो जल्दी। गाड़ी तो बेहतरीन है यार, मैं तो कहता हूँ परचेज करो, अगर तुम्हारे पास कोई फजूल की गाड़ियाँ पड़ी हैं तो उनको सेल करो अगर पैसे नहीं है तुम लोगों के पास, और ये परचेज करो, इतनी महंगी भी नहीं है यार, अंडर 1 मिलियन है ये अभी, वो मॉडिफाई करने के बाद 1.5 तक की हो जाती है, तो अगर नॉन मॉडिफाई भी ख़रीद के रख लोगे तो ये लुकवाइज इतनी अच्छी है कि इसको चलाने का बड़ा दिल करेगा तुम लोगों को, तो ज़रूर इसको परचेज़ करो, हाईली रिकमेंडेड। परफेक्ट परफेक्ट यार, बेहतरीन यार, खींचते हैं यार इसको थोड़ा सा और। एक तो GTA 5 ऑनलाइन का ये सीन है ना यार, हम छोटे से मॉड्स भी नहीं कर सकते हैं, वरना स्पीडोमीटर जो है वो साइड में अगर होता तो स्पीड चेक करवा देता मैं तुम लोगों को, लेकिन उसके लिए मुझे फर्स्ट पर्सन देखना पड़ेगा। स्पीड तो काफ़ी अच्छी है यार गाड़ी के, नो डाउट, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि स्लिप नहीं हो रही है, यही बेस्ट थिंग है इसकी। ओए होए, शेड जो पड़ रहा है ना मौसम की वजह से, बस क्लास की लग रही है गाड़ी, और टेल लाइट्स तो बस फुल भरम है इस गाड़ी के। कंपैरिजन वीडियो भी बनाऊंगा यार, जो मैंने सल्टन आरएस नहीं ख़रीदी थी और ये टाइप आर की, तो इसका भी हम बनाएंगे कंपैरिजन वीडियो सून। चलो लॉस सैंटोस कस्टम्स पर हम आ गए हैं, अब इसको मॉडिफाई नहीं करवाते, मॉडिफाई तो की भी है यार, एक मिनट इसको रिपेयर करवाते हैं यार, स्क्रैच लग गया ना, $100 में रिपेयर हो गई बस। ओके तो गाइज ये था रिव्यू होंडा सिविक टाइप आर का, जो GTA 5 ऑनलाइन में अभी न्यू आई है, इसका नाम है डिंका सिकोई स्पोर्ट्स, तो तुम लोग जाओ परचेस करो इसको, और अगर PS4 पे हो तो कम्युनिटी ज्वाइन कर लो हमारी, और सोशल क्लब का हमारा क्रू भी ज्वाइन कर लो दी अल्फा फैल्कन्स, दोनों लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, जाओ वीडियो देखो और तुम लोग को अंदाज़ा होगा कैसे ज्वाइन करना है, तो फिर खेलो हमारे साथ कार मीट में, आओ शुगर लगाते हैं, इन्जॉय करते हैं, मिलते हैं गाइज फिर नेक्स्ट वीडियो में, इंशाल्लाह कार मीट की आएगी होंडा सिविक की, तो कार मीट की वीडियो जो है वो इंशाल्लाह कल है, कल कार मीट भी है तो तुम लोग आ सकते हो, और इंशाल्लाह जो है वो हम रिकॉर्ड करेंगे और उसको फुल तफरियां करेंगे। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़।